सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस सुपर फास्ट एक्सप्रेस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 28। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। प्रमुख देश एवं उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिलहाल ये पैटर्न में चला हुआ है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं लगभग टॉप 5 आपको कवर कराता हूं। एक क्वेश्चन पूछा था इराक की मुद्रा, इराक, इराक की मुद्रा क्या है बच्चों? दिनार। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। एक क्वेश्चन पूछा था मंगोलिया, मंगोलिया की मुद्रा, मंगोलिया की मुद्रा क्या है बच्चों? तुग्रिस। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेबनान की मुद्रा, पाउंड। कुवैत की मुद्रा क्या है बच्चों? कुवैत की मुद्रा है आपकी दिनार। दिनार किसकी है? यह आपकी कुवैत की है। ठीक है जी। बहत, जो बहत है यह मुद्रा किसकी है? बहत मुद्रा होती है आपकी थाईलैंड की। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? आपकी बहत है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे दिरहम किसकी है? यूएई की है दिरहम। डॉलर ताइवान की है, यह आपको सभी को पता होगा। तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की, तुर्की की मुद्रा है बच्चों लीरा। क्या है? लीरा। रियाल कहां की है? ओमान की है। सीरिया की पाउंड है। ठीक है जी। यमन की भी रियाल ही है आपकी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंडोनेशिया की रुपया है, रुपया भारत की सभी को पता है रुपया है भारत की। बांग्लादेश की टका है, भूटान की नुगुल ट्रम है, नेपाल की आपकी रुपया है, म्यांमार की क्या हुई आपकी पाकिस्तान की रुपया हुआ, अफगानिस्तान की अफगानी हुआ, चीन की यह है युआन, जो भारत के पड़ोसी देश है इनका तो आपको 100% पता ही होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। राइट आंसर क्या है? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? यमुना नदी का अन्य नाम बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33। क्वेश्चन नंबर 6, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 को। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रह की कक्षा की आकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि किसे दी थी? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 12, डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 14, मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोरिया को। क्वेश्चन नंबर 16, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्ना चंडी।
क्वेश्चन नंबर 18, उसंग नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। 10 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे बच्चों आज की क्लास में हम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 21, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोना ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रखकर ग्रह की श्रेणी में सटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। पहले 9 थे, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। क्वेश्चन नंबर 23, महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, पेसमेकर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। क्वेश्चन नंबर 26, पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 28, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा 1986, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हुमायूं का मकबरा कहां है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है। बाबर का मकबरा कहां है बच्चों? बाबर को काबू करना मुश्किल था, काबुल में है बाबर का। जहांगीर का मकबरा कहां है? जहां भी गिरता था लहू निकलता था, लाहौर में है। औरंगजेब, जेब में क्या होती है? दौलत। इसका मतलब औरंगजेब का मकबरा कहां है? दौलताबाद में है। ठीक है जी, जहांगीर हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में है। ये मकबरे का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा टॉपिक कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद ए। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। बात करें आर्टिकल की, आर्टिकल कुल 395 है आपके। बात करें अनुसूची की, 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 32, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 33, गोल्फ की खोज कहां हुई थी? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा 1974, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, सटती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू सी रोंटजन। क्वेश्चन नंबर 37, गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस ऑगस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, माउंट किलिमंजारो कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मादा चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 41, ओंगल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1845। क्वेश्चन नंबर 42, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993।
क्वेश्चन नंबर 44, पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्रत संहिता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरहाम ब्राह्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 48, नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 49, शालीमार बाग उद्यान कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 50, पंडरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमा नदी के किनारे है। ये आज की क्लास सेट नंबर जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 28 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।